हेलो डियर स्टूडेंट्स, एस बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा फॉर्म आ चुका है। आरटीडी का मुख्य अवसर परीक्षा का और सप्लीमेंट्री परीक्षा का है ना। अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो इसमें फॉर्म कैसे भरना है वो आपको सीखना होगा दोस्तों, क्योंकि आप गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है पैसा जमा करने के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाता है कई बार, और हमारा पैसा डूब सकता है। तो सही तरीके से फॉर्म भरना है ताकि प्रवेश पत्र जो हमको मिल सके। गलत तरीके से भरेंगे तो लास्ट में प्रवेश पत्र नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका मैं एक एक खाने में कैसे भरना है मैं आपको सिखा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो वीडियो को चालू करके, है ना, बैठ जाएंगे और जैसे जैसे स्टेप बताया जा रहा है वैसे वैसे ही उस खाने को भरना है, ताकि आपसे एक भी मिस्टेक ना हो, वाइटनर चलाने की ज़रूरत ना हो, ना पेन को पेज को ख़राब करने की ज़रूरत है। इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है, लेकिन आपको नवंबर अक्टूबर में ही फॉर्म को भर लेना है, क्योंकि बाद में सीट जो है पूरा फुल हो जाता है। हम दिसंबर तक का वेट करेंगे तो पूरा सीट फुल हो जाने के बाद हमको वहाँ पर सीट नहीं मिलता है, इस वजह से हमको फॉर्म जल्दी भरना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म है आपके सामने, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का है। अब आप डेट को देखकर बोल रहे हो सर ये तो पुराना वाला है, तो भाई जो नया पुराना कोई भी फॉर्म हो, है ना, फॉर्म सब एक ही रहता है, बस ईयर बस चेंज हो जाता है। अब इस बार जो है 2022 या 23 लिखा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए पॉइंट में, एक एक खाने में, जैसे ये मैंने फॉर्म भरा है टीना राठौर का, ठीक है। तो इसमें देखिए एक एक खंड में, एक एक डिब्बा में, एक एक अक्षर, एक एक अंग्रेजी लेटर को लिखना है। यहाँ पर देखिए टी एक डिब्बा में लिखा है, ई एक डिब्बा में लिखा है, एन ए एक डिब्बा में लिखा है, सारा चीज़ जो है देखो क्लियरली, यहाँ पर ये वाले की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो एक एक डिब्बा में आपका अंग्रेजी, बड़ा बड़ा अंग्रेजी लेटर में लिखना है आपको, तो टीना, और यदि आपका सरनेम है जैसे इसका, इनका राठौर है, तो यहाँ पर आपको एक डिब्बा छोड़ देना है, यानी प्रत्येक नाम के बाद डिब्बा छोड़ना है। मान लेते हैं यहाँ पर कुमार रहता, टीना कुमार साहू, तो यहाँ पर टीना कुमार साहू, मैं ये लड़की का नाम है लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एक डिब्बा छोड़ देना है, ठीक है। अब वैसे ही पिता का नाम अशोक राठौर है, तो देखिए एक डिब्बा यहाँ पर छूटा हुआ है, ये वाला उदाहरण से आप समझ सकते हैं, ये देख, है ना। अब इसी प्रकार इनके मम्मी का नाम रुक्मणी राठौर है, तो रुक्मणी लिखने के बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर राठौर के लिए एक डिब्बा जो है छोड़ा गया है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में एक एक डिब्बा में एक एक अंक को लिखना है, 25/10/1987 लिखा है, तो एक एक डिब्बा में एक एक नंबर को लिखना है। अब इसको हिंदी में लिख देना है 25 अक्टूबर 1987। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य है, तो आपको यहाँ पर एक एक डिब्बा में एक एक नंबर, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। लिंग, अगर लड़की है तो एक लिखेंगे, यानी पुरुष है तो एक, और स्त्री है तो दो लिखना है, ठीक है, ये वाला जो लिंग जेंडर लिखा है। वर्ग, SC ST कौन से वर्ग का है उसको लिख देना है, है ना। उसमें पीछे में फॉर्म के पीछे में उसका नंबर दिया रहता है ना, SC के लिए 2 लिखिए, ST के लिए 3 लिखिए, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना है, जनरल के लिए 1 है, ठीक है ना, ऐसा करके लिखा रहेगा, तो उसको लिख देंगे। यहाँ पर ये OBC है तो 4 लिख देंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी है तो 1, अंग्रेजी है तो 2 लिखेंगे। नेशनलिटी, ये मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, परीक्षा का माध्यम 1 लिखेंगे, राष्ट्रीयता में 1 लिखेंगे। अब विषय कोड, देखिए मैं आपके सामने विषय को लगा दिया हूँ, यहाँ साइड में देखिए आप किनारे पर, ठीक है। तो विषय को कैसे भरना है, है ना। विषय के लिए देखिए हिंदी के लिए 201 होता है, और यहाँ पर अंग्रेजी के लिए 202, ये 10वीं का है, ठीक है, और सामाजिक ज्ञान के लिए 213 है, अर्थशास्त्र के लिए 214 है, और व्यवसाय अध्ययन के लिए 215। तो हमको 10वीं हो चाहे 12वीं, 5 विषय लिखना होता है। यदि आप 12वीं के विद्यार्थी हैं, है ना, तो मैं विषय को एक बार दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये बातें थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए।
तो देखिए ये विषय सूची है, ये कक्षा 10वीं है हाई स्कूल का, है ना। तो हाई स्कूल में देखिए हिंदी है, अंग्रेजी है, इसमें से हमको कोई भी 5 विषय लेना होता है। कक्षा 10वीं का है, देख लीजिए, इसमें हमको 5 विषय लेना है। ठीक, तो हमने हिंदी अंग्रेजी 2 ले लिया। ठीक, अब इधर से हम गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान हो गया हमारा 5, है ना। यदि हमको इसको नहीं लेना है तो हम इसको, ये तीनों में से कोई भी, यानी हमको कोई भी 5 विषय लेना होता है दोस्तों। तो हम इसमें गणित ले ज़रूरी नहीं है, या अंग्रेजी ले ये ज़रूरी नहीं है, विज्ञान ले ज़रूरी नहीं है, आप अपने मर्जी से कोई भी 5 विषय चूज़ कर सकते हैं। ठीक, हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत दोनों में से कोई एक 2 विषय लेना होता है, यानी लैंग्वेज में से हमको कोई 2 विषय लेना ही पड़ता है, इसलिए हमको हिंदी अंग्रेजी लेना चाहिए। अब इसी प्रकार यदि हम 12वीं की बात करें तो ये 12वीं का है, इसमें से भी हमको कोई भी 5 विषय लेना है ना, इसमें से एनी 5 सब्जेक्ट। ठीक, हिंदी अंग्रेजी को छोड़कर कोई 3 विषय और चूज़ कीजिए, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज हमको लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कोई भी 3 विषय इसमें से चूज़ कर लेना चाहिए। अब जीव विज्ञान लो, इतिहास लो, भूगोल लो, राजनीति लो। अब इसका विषय कोड भी दिया हुआ है, 301, 302, 303। ठीक है, इसी को मैं समझा रहा था। तो इस प्रकार देखिए विषय का हमने चयन कर लिया। ठीक है, ये वाले को नहीं भरना है, ये वाले को बोल रहा हूँ मैं। ठीक, ये वाले को आपको नहीं भरना है, इसको जो है जिन लोग क्रेडिट योजना वाले होते हैं उन लोग भरते हैं अब। ठीक, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल देना है। बैंक इस बच्चे का SBI बैंक का है, SBI डाल देना है यहाँ पर, है ना। और माता पिता में से किसी का भी अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, हमको पासबुक भी देना होगा। ठीक है, है ना। अब क्या क्या लगता है इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसको आप लोग ज़रूर देखना, है ना। आधार कार्ड है, पासबुक है ना, मार्कशीट है, ये सारा चीज़ जो है जमा करना होता है। ठीक, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट आप किसी का भी दे सकते हैं, माता पिता आपका खुद का नहीं है तो माता पिता का देना ज़रूरी है, यानी कोई भी अकाउंट आपको देना है। यहाँ पर IFSC कोड डाल देंगे। अब मैं बात कर रहा था ये वाले की। ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ। ये क्रेडिट योजना क्या होता है, देखिए क्रेडिट योजना में जिन लोग 10वीं 12वीं पहले दिला चुके हैं, 4 साल पहले दिलाए होंगे या 10 साल पहले दिलाए होंगे, जिन लोग CG बोर्ड से, यहाँ छत्तीसगढ़ की बात किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से कहीं से भी दिलाए होंगे 10वीं या 12वीं, और उसमें कुछ विषय में फेल है, कुछ में पास है ना, तो वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसको अपन क्रेडिट योजना बोलते हैं। क्रेडिट का अर्थ होता है उसमें से जिसमें आप 2 विषय में पास होंगे उनके 2 विषय के नंबर जुड़ जाते हैं, सिर्फ 2 विषय के नंबर जुड़ते हैं, सभी विषय के नहीं जुड़ते, तो 2 विषय के नंबर इसमें जुड़ जाते हैं और हमको 3 सब्जेक्ट दिलाना रहता है। यानी क्रेडिट योजना का अर्थ होता है सिर्फ 3 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दिलाएंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट का जो है इसमें नंबर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है फिलअप कर सकते हैं, जिन लोग क्रेडिट योजना के अंतर्गत डालेंगे उन लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नीचे में आपको साइन कर देना है इस प्रकार से, ये देखिए ये टीना राठौर, और यहाँ पर एड्रेस दे देना है अशोक नगर रायपुर, और यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। नीचे में चाहो तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। तो इस प्रकार जो है हमको मुख्य फॉर्म को भरते समय विशेष सावधानी रखनी होगी दोस्तों, और सही तरीके से सही क्रम से भरना होगा। ठीक है, अब क्रेडिट योजना वाले और RTD वाले और जिन लोग फेल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम दिलाएंगे, उनका भी फॉर्म मैं जो है इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो है सभी लोग इसका लाभ उठाए, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सब तक मैसेज जाए, है ना। और पूरा वीडियो देखना है आपको, आधा अधूरा देखने के बाद कमेंट नहीं करना है कि सर हम फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए ही वीडियो बनाया गया है, तो आप पूरा जो है फॉर्म भरते समय वीडियो को ऑन करके, है ना, भरेंगे।